नमस्कार, हमारे चैनल पर आप सभी साथियों का दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए केक बनाने की एक बहुत ही सरल विधि लेकर आए हैं। ये केक आप कुकर में बना सकते हैं। कुकर केक बनाने में जितना आसान होता है, खाने में उतना ही टेस्टी भी होता है। तो फिर आप सोच क्या रहे हैं, झटपट केक बनाने की विधि देखें और इसे आज ही बनाएं। और ख़ास बात यह है कि इस केक में हमने आटे का उपयोग किया है, मैदे का उपयोग नहीं किया है। ये झटपट बनने वाली चॉकलेट केक की रेसिपी है। इसे आप आराम से घर में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें कौन कौन से सामान चाहिए होंगे। इंस्टेंट चॉकलेट केक बनाने के लिए हमें चाहिए होगा 1 कप आटा और 3/4 चम्मच बेकिंग सोडा और 1/2 छोटा चम्मच नमक, 3 बड़े चम्मच कोको पाउडर, 3 बड़े चम्मच चाहिए होगा मक्खन और 1/2 कप चीनी, 1/4 कप पानी, 1/4 कप दूध चाहिए होगा और 1/2 चम्मच नींबू का रस और 1/2 छोटा चम्मच वनीला अर्क और 1 पैकेट इनो और सजाने के लिए थोड़ा सा चॉकलेट सास। अब जानते हैं इसे कैसे बनाना है, तो आइए इसे बनाते हैं। केक बनाने के लिए 1 कटोरे में आटा, नमक और बेकिंग सोडा लें और उसको अच्छी तरह से मिक्स होने तक फेंटें। फिर 1 कटोरे में मक्खन और चीनी को मिलाने तक फेंटें, यानी कि जब तक चीनी और मक्खन एक में मिल ना जाए इसे तब तक फेंटना है और इसे तब तक ही फेंटें जब तक कि ये थोड़ा फूल ना जाए। इसके बाद अब इसमें पानी और कोको पाउडर मिलाएं और फिर अच्छी तरीका से मिलाएं। इसके बाद इसमें नींबू का रस और वेनीला अर्क डालें। अब फिर से इसे मिलाएं और दूध डालें और इसे मिक्स करें। अब बैटर में इनो मिला लें। अब एक केक पैन लें और उस केक पैन को मक्खन से चिकना करें और उसमें बैटर को डालें। अब इस टिन को थपथपाएं। उसके बाद फिर इसे प्रेशर कुकर में नीचे प्लेट या ट्रे पर रखें और ढककर गर्म करें। जब कुकर गर्म हो जाए तो केक पैन को धीरे से प्रेशर पैन में डालें और प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद कर दें और आंच को बहुत धीमी रखें। धीमी आंच पर इसे करीब 50 मिनट तक पकाना है। केक को 50 मिनट तक पकाएं। जब ये पक जाए तो कुकर के अंदर से इसे निकालकर केक पैन को ठंडा होने दें। जब ये कायदे से ठंडा हो जाए फिर इसे प्लेट पर निकाल लें और किसी सर्विंग डिश में रखें जिसमें आप सर्व करना है। और आप चाहें तो इसे चॉकलेट सिरप से सजा सकते हैं। ये ऑप्शनल है, आपकी मर्जी के ऊपर है। आप चाहें तो इसे ऐसे ही खा सकते हैं या चॉकलेट सिरप से सजा कर भी सर्व कर सकते हैं। दोस्तों, और एक बात आपको बता दें, केक पक गया है इसको जानने के लिए किसी माचिस की तीली या टूथपिक लें और इसे बने हुए केक में दबा दें, घुसा दें उसके अंदर और फिर उसे बाहर निकालें। यदि वो तीली बिल्कुल साफ निकल आती है तो इसका मतलब है कि केक आपका बिल्कुल पक गया है। तो दोस्तों, ये बहुत ही सरल इंस्टेंट केक की रेसिपी है और ये हेल्दी इसलिए है क्योंकि इसमें मैदे का उपयोग नहीं किया गया है। तो इसे आप भी अपने घर पर बनाएं और इन्जॉय करें। हमें आज्ञा दें, आपसे शीघ्र मिलेंगे नई पोस्ट के साथ। आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।